हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका पेन ड्राइव, पीसी, लैपटॉप या मोबाइल से डेटा आपका डिलीट हो चुका है या फॉर्मेट हो चुका है तो आप उसको रिकवर कैसे करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा डेटा आप रिकवर कर सकते हैं। तो आपको पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो पहले हम अपने पेन ड्राइव को ओपन करके दिखाते हैं। तो मैं मेरे पेन ड्राइव की फाइल्स को डिलीट कर दूंगा, ये तो फोटोज़ से जिन्हें मैं अब डिलीट कर दूंगा। तो मैं इसे अभी परमानेंट डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको रिसाइकल बिन में भी दिखा दूंगा, वहाँ से भी हम अपने सारी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। तो रिसाइकल बिन में जाते हैं और यहाँ पे भी हम अपनी सारी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का नाम रिकोएसा है, तो हम अब इससे स्टार्ट करेंगे। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखता है कि आपको कौन सी फाइल रिकवर करनी है, उस फाइल पिक्चर्स फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है या कोई भी फॉर्मेट है, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ऑल टाइप की फाइल है तो आपको पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट कर दूँगा। उसके बाद हमें अपनी फाइल के लोकेशन पर जाना है जहाँ से हमारी फाइल डिलीट हुई है, हम उस लोकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो मैं अपने पेन ड्राइव को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और मैं ओके कर दूँगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। या फिर हमें अपने डीप स्कैनिंग को अनेबल कर देना है जिससे हमारे पेन ड्राइव, लैपटॉप को या फिर मोबाइल को ये डीपली स्कैन करेगा। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम से कम आधा घंटा या एक घंटा भी लग सकता है। ये आपके स्टोरेज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसको स्कैन होने में बहुत देर लगती है, तो आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा ब्लॉक आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं ये दो फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने डिलीट कर दिए थे, वो यहाँ पे हमको शो हो रहे, और ये कुछ पुराने फ़ोटोज़ थे, मैं उनको रहने देता हूँ अभी। और यहाँ नीचे के साइड में रिकवरी का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है, आपको ये फाइल्स कहाँ पे सेव करनी है वो लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और जैसा कि देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन सिलेक्ट की थी, तो डेस्कटॉप पे दोनों फ़ोटोज़ आ चुके हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे ओरिजिनल क्वालिटी वैसे ही हमारे फ़ोटो यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज है, आप इससे डेटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉफ्टवेयर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।